जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से रेवाड़ी में पढ़ने के लिए आने वाली छात्राओं की सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए रेवाड़ी रोडवेज डिपो की ओर से आज पिंक बसें चलाई गई। आज महिला दिवस पर प्रदेश सरकार की ओर से 150 बसें रोडवेज बेड़े में शामिल की गई हैं, जिसमें से 9 बसें रेवाड़ी डिपो को दी गई हैं। इन बसों का ग्रामीण रूटों पर संचालन किया जाएगा, जिनमें केवल छात्राएं ही सफ़र कर सकेंगी। आज रेवाड़ी बस स्टैंड पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, डिपो को अलाट की गई छात्रा स्पेशल बस कई खूबियों से लैस है। इनमें 32 सीटें हैं। बसों में प्रत्येक सीट पर आपातकालीन बटन लगा हुआ है, जिसका उपयोग छात्रा किसी भी आपात स्थिति में कर सकती है। ऐसे में बटन दबाते ही बस में लगा रेड हूटर बजने लगेगा, जिससे चालक परिचालक सतर्क हो जाएंगे, तुरंत बस रोक कर समस्या की जानकारी ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त बस में चालक सीट पर अंतिम सीट के ऊपर कैमरा लगाया गया है, जिससे सफ़र के दौरान पूरी गतिविधि कैमरे में कैद हो सकेगी। वहीं चालक के लिए बस में वायरलेस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे चालक आने वाले बस स्टाफ की पूर्व सूचना दे सकेंगे। क्या कहेंगे आज जो ये पिंक बसों को आपने हरी झंडी दिखाई? आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी ज़िले को महिलाओं के लिए स्पेशल जो बसें दी हैं, 9 बसें आज आई हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारी जो महिलाओं को दिक्कत होती थी, उससे अब काफ़ी दिक्कत कम हो जाएगी, क्योंकि स्पेशली महिलाओं के लिए बसें चलेंगी और एक नारी सुरक्षा के लिए, और जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारी सरकार का नारा है, उसको साकार करेगा। डॉक्टर साहब, प्रदेश भर में आज इस प्रकार की बसें चलाई गई, बताया जा रहा है कि ये निःशुल्क सेवा देंगी, आखिर ऐसे में कैसे घाटा पूरा होगा रोडवेज का? ये तो विभाग को देखना है, आपने थोड़ी सोचना है। ये तो कहीं ना कहीं से तो होगा ही पूरा। इसके अतिरिक्त तो और क्या सेवा आज महिलाओं के लिए की जा रही है? आज एक और खुशी की बात है कि हमारे ज़िले में इस रीजन के अंदर एक महिला डाकघर भी खुला है, तो वो भी एक महिलाओं के आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक तोहफा रेवाड़ी के लिए है। आज महिला दिवस पे क्या विशेष कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? देखो, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए ये प्रोग्राम है, और महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए ये सरकार प्रोग्राम करती है कि महिला किसी से कम नहीं, आज महिला और पुरुष बराबर हैं और किसी भी क्षेत्र में महिला कम नहीं है। ये इस तरह से हम जनता में मैसेज देते हैं ताकि महिला सशक्त बने। डॉक्टर साहब, रोडवेज को लेकर एक और बड़ी समस्या आ रही है कि 400 किलोमीटर जो किलोमीटर स्कीम चलाई है, वो जो ड्राइवर्स हैं कंडक्टर हैं स्टॉपेज पर रोकते नहीं है, और ऐसे में काफ़ी परेशानी आती है। सिर्फ 400 किलोमीटर तक कई धारा तय करते हैं, उसके बारे में डिपार्टमेंट से बात करेंगे, अगर कोई इस तरह की समस्या है तो उसको दूर करवाएंगे। सर, महिला सुरक्षा की बात करें तो आज महिला दिवस है, क्या संदेश देंगे उन लोगों को जो अपराध की नियत से महिलाओं के साथ इस तरह की बात बार बार आती है? मैं तो यही कहूँगा कि भाई महिला का मान सम्मान करना चाहिए, और जब तक हम सब लोग मिलकर इस समस्या से नहीं निपटेंगे तो अकेली सरकार नहीं कर सकती। हम सब लोगों को एक मैसेज देना चाहिए कि औरत का सम्मान करना चाहिए, बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, और हमें इस तरह की कुरूतियों से दूर रहना चाहिए। निर्भया केस में भी लगातार 3 बार डेथ वारंट जारी हो चुका है, क्या लगता है कि उसे न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, अब ये तो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता।